नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से दोबारा आप सभी के लिए खुशियां आने वाली है, तैयारी में लग जाइए। किस वजह से स्थगित हुई थी दोस्तों परीक्षा और इन बदलावों के साथ फिर से आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जनसंपर्क MP का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है PEB द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको कल पता चल गया था, बट जो मेन थिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका दूसरा जो दोस्तों यहाँ पर ट्वीट आया है, इसमें लिखा हुआ है PHQ एडिटोरियल द्वारा ऑनलाइन आवेदनों में EWS 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र अपलोड होने की सुविधा सॉफ्टवेयर में नहीं होने की जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB के संज्ञान में लाई गई थी। एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर में सुधार कर पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों एक सप्ताह के अंदर आपके ऑनलाइन आवेदन दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी दोस्तों लगभग मान सकते हैं 15 तारीख के आसपास दोस्तों आपके ऑनलाइन आवेदन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बार जो चेंजेस होंगे EWS 10वीं और 12वीं के जो प्रमाण पत्र रहेगा वो आपको अपलोड करना होंगे। तो इन बदलाव के साथ दोस्तों आपका फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्जाम डेट नहीं आ जाएगी। तो सॉरी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में जो डेट थी वो यहाँ पे बदल कर नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का डाउट क्वेरी सजेशन बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट होता है बिल्कुल पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।